वेलकम टू कैम्बू स्टडी स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे लिक्विड स्टेट का लेक्चर नंबर 16। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एबिज रिफ्रैक्टोमीटर आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूशन को बेसिकली हम उन टर्म्स को देखेंगे जो कि रिलेट करती हैं एक सब्सटेंस की केमिकल कंस्टिट्यूशन को उस सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो पहली टर्म हम देखेंगे वो है स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी देखिए हम क्या करते हैं डियर कोई भी एक टेम्परेचर देखिए मान लीजिए एक्स डिग्री कैलविन उस पर हम एक सब्सटेंस की डेंसिटी लेते हैं और सेम टेम्परेचर पर यानी एक्स डिग्री केल्विन पर ही उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है जो है आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर प्लस टू इंटू वन बाई डी वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कॉन्स्टेंट होता है जिसकी हमने सेम टेम्परेचर पर डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है और जो ये एक्सप्रेशन है इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यानी ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के और जो ये क्वांटिटी है स्मॉल आर इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस। यही हमने यहाँ पर मेंशन की है बातें डी एक बार रीड करते हैं स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी फॉर एनी सब्सटेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड डेंसिटी डी एट द सेम टेम्परेचर द एक्सप्रेशन स्मोलर इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस प्लस टू इंट वन बाई डी इक्वे नंबर वन इज कॉन्स्टेंट फॉर द पर्टिकुलर सब्सटांस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये बात याद रखनी है कि इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता द क्वान्टिटी स्मोलर इस कार्ड द स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी और स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस क्लियर अब हम डियर वो सेकेंड टर्म देखते हैं जो कि रिलेट करती है एक सब्सटेंस की केमिकल कंस्टिट्यूशन को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो है मोलर रिफ्रैक्टिविटी या फिर हम इसे मोलर रिफ्रैक्शन भी कहा करते हैं ये कैसे मिलेगा देखिए डियर इक्वेशन वन में हमारे पास स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी यानी स्मॉल आर का जो एक्सप्रेशन है अगर हम इसे सब्सटेंस के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन होगा मोलर रिफ्रैक्टिविटी का और वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा लिक्विड्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा एज वेल एज सॉलिड्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा यही बातें हमने यहाँ पर मैंशन की है ये देखते हैं मोलर रिफ्रैक्टिविटी इट इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग द स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन बाय द मोलिकुलर वैल्यू हम इक्वेशन वन से पुट कर सकते हैं यहां पर तो एज इट इज हमने यहां पर यह रख दिया एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस टू इंट वन बाई डी साथ में मल्टीप्लाई है द अब एप्लीकेबल टू गैसेस लिक्विड्स एज वेल एज टू सॉलिड्स तो आप इतना नोट करें देन हम आगे बढ़ते हैं तो चलिए डियर आगे नोट डाल का लिखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि नोट नंबर वन क्या कहता है आइए पहले रीड करते हैं द मोलर रिफ्रैक्टिविटी आर एस ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन बाय आर एस इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस वन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस टू इन टू एक्स वन एम वन प्लस एक्स टू एम टू बाई स्मॉल डी इक्वेशन नंबर थ्री वेयर एक्स टू एंड एक्स वन आर द मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सोलेंट रिस्पेक्टिवली एंड एम टू एंड एम वन आर देयर मोलिकुलर मासिस कहता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है अगर हमें उसकी मोलर रिफ्रैक्टिविटी लिखनी हो तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पर हमारे पास जो X2 है वो है मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का और उसका जो मोलिकुलर मास है वो है M2। इसी तरीके से हमारे पास जो X1 है वो मॉल फ्रैक्शन है किसका सोलवेंट का और M1 उसका मोलिकुलर मास है क्लियर ये भी आपको याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प देगा अब हमारे पास जो सेकंड नोट है डियर वो जस्ट हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है देखते हैं क्या कहता है टोटल मोलर रिफ्रैक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द दोल्यूट विच इज सॉलिड एंड द सोलवेंट हेंस आर एस इज इक्वल टू एक्स वन आर वन प्लस एक्स टू आर टू इक्वेशन नंबर फोर वेर आर वन इज द मोलर रिफ्रैक्टिविटी ऑफ द सोलवेंट एंड आर टू डेट ऑफ द सोलिड कहता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन की मोलर रिफ्रैक्टिविटी है उसमें हमारे पास सोल्यूट का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा जो कि यहाँ पर हमने सोलिड लिया है और सोलवेंट का भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा भाई ये तो सीधी सी बात है सोल्यूट प्लस सोलवेंट हमारे पास क्या होता है सोल्यूशन अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन कैसे आया उसे समझो मैंने क्या कहा था कि थर्ड का मॉडिफाइड वर्जन है आप इस फैक्टर को अंदर ले जाइए एक्स को बाहर रखिए और इसे मल्टीप्लाई करें इतने पोर्शन के साथ यानी एन स्क्वेयर माइनस वन इंटू एन स्क्वेयर प्लस टू इंटू एम वन बाई डी एक्स वन हमारे पास बाहर ही पड़ा है ये एक्सप्रेशन जब एम वन अपॉन डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा डी एल चेक करो इक्वेशन नंबर टू मोलर रिफ्रैक्टिविटी यहाँ पर एक्स वन फ्रैक्शन है सोलवेंट का और एम वन उसका मोलिकुलर मास है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मोलर रिफ्रैक्टिविटी ऑफ द सोलवेंट इससे हम r1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी तरीके से जब आप इसे अंदर ले जाएंगे एक मैं करके भी दिखा देता हूँ x2 टू आप ऐसे ही रखेंगे अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर प्लस में टू इन टू एम टू अपॉन डी मैं यहाँ से m के सब्सक्रिप्ट में टू को हटा दूं तो हमारे पास इतना जो एक्सप्रेशन है डियर ये मोलर रिफ्रैक्टिविटी हो जाएगा अब क्योंकि हमारे पास जो एम टू है मोलिकुलर मास है किसका सोल्यूट का तो हमारे पास ये मोलर रिफ्रैक्टिविटी हो जाएगी किसकी सोल्यूट की जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर टू से यही बात हमने यहां पर लिखी है आर टू मोलर रिफ्रैक्टिविटी है किसकी सॉलिड की जो कि यहां पर हमारे पास हमने सोल्यूट लिया है तो टोटल कुल मिलाकर हमारे पास ये बन गया X1, R1, X2, R2, यहां से हमने solute, जो कि सॉलिड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी कंसिडर किया और जो सोलट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो आप इस फॉर्म को भी याद रखिएगा क्लियर हुआ तो आप इतना नोट करें देन हम आगे बढ़ते हैं चलिए डियर आगे नोट नंबर थ्री देखेंगे देखिए जैसा कि हमने लिक्विड स्टेट के लेक्चर नंबर टेन में देखा था कि पैराकोर एडिटिव के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूटिव भी है उसी तरीके से हमारे पास मोलर रिफ्रैक्टिविटी का जो नेचर है वो एडिटिव के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूटिव भी है तो अब हम कुछ उन फैक्ट्स को देखेंगे जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमारे पास जो मोलर रिफ्रैक्टिविटी है वो नेचर में एडिटिव है द एडिटिव नेचर इज़ सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स डेट पहला फैक्ट द डिफरेंस इन द मोलर रिफ्रैक्टिविटी ऑफ द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इज नियरली कॉन्स्टेंट देखिए हमने पैराकोर वाले में भी देखा था कि हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज़ है उसमें फर्दर हमने एग्जांपल लिया था एल्केन्स का जिसमें जो सक्सेसी मेंबर्स हैं यानी मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो एक दूसरे से सी एच टू यूनिट में डिफ़र कर रहे थे तो इस केस में भी ये वही कहता है कि एक होमोलोगस सीरीज के जो सक्सेसी मेंबर्स हैं उनकी मोलर रिफ्रैक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है और ये फैक्ट सपोर्ट करता है मोलर रिफ्रैक्टिविटी के एडिटिव नेचर को सेकेंड फैक्ट देखिए द आइसोमेरिक कंपाउंड्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर फाउंड टू हैव नियरली सेम वैल्यू ऑफ द मोलर रिफ्रैक्टिविटी एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड एन प्रोपाइल एल्कोहल कहता है कि ऐसे आइसोमेरिक कंपाउंड्स जिनका जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो सिमिलर हैं तो उन केसेस में भी हमें जो मोलर रिफ्रैक्टिविटी है उनकी वैल्यू सेम देखने को मिलती है नियरली एग्जाम्पल के लिए लेता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड एन प्रोपाइल एल्कोहल को ठीक वही बातें डियर जो कि हमने पैराकोर में भी डिस्कस की थी ये तो बात हो गई एडिटिव नेचर को सपोर्ट जो फैक्ट्स कर रहे हैं उनकी अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या फैक्ट है

तो मोलर रिफ्रैक्टिविटी की जो ऑब्जर्वड वैल्यू है वो ज़्यादा होती है जो कि हम सिंपली एटॉमिक रिफ्रैक्टिव से ऑबेंड करते हैं याद करो पैराकोर का केस जहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू है पैराकोर की वो ज़्यादा आती थी जो सिंपली हमें एटॉमिक पैराकोस को ऐड करने से मिलती थी क्योंकि वहाँ पर डियर हम डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को नेगलेक्ट कर रहे थे ठीक वही बात यहाँ भी कही गई है तो आप इतना नोट कीजिए देन हम आगे बढ़ते हैं चलिए डियर नोट नंबर फोर देखिए वाइल कैलकुलेटिंग द मोलर रिफ्रैक्टिविटी द फॉलोइंग टू पॉइंट्स मस्ट बी इन माइंड जब भी हम मोलर रिफ्रैक्टिविटी की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हमें दो पॉइंट्स अपने मस्तिष्क में रखने हैं पहला पॉइंट क्या है द एटोमिक रिफ्रैक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ डिफरेंट इन एल्कोहल्स ईथर्स एंड कीटोन्स कहता है कि एल्कोहल्स में जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ईथर्स में जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है किटोन्स में जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उनकी जो एटोमिक रिफ्रैक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है वो देखते हैं वेन कंपाउंड कंटेंस मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड द मोलर रिफ्रैक्टिविटी डिपेंड्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बट also ऑन their रिलेटिव पोजिशन इन द मोलिक्यूल देखिए हमने इसे प्रीवियस सेगमेंट में ही देखा था जब हम वो फैक्ट देख रहे थे जो कि इस बात को सपोर्ट करता है कि मोलर रिफ्रैक्टिविटी एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जहाँ पर डबल ट्रिपल या फिर क्लोजिंग प्रेजेंट हो वहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा आती है जैसा कि हम अटोमिक रिफ्रैक्टिव से मेज़र करते हैं तो यहाँ पर यह कहता है कि अगर एक से ज़्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबर ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ साथ एक और चीज़ है जिस पर हमारे पास स्मॉलर रिफ्रैक्टिविटी डिपेंड करती है वो है उनकी पोजिशन मोलिक्यूल में उनकी रिलेटिव पोजिशन एग्जाम्पल से समझिए जैसे कि यहाँ पर देखिए सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच ये आगे फर्दर कनेक्ट है ये पीछे फर्दर कनेक्ट है यहाँ पर हमारे पास जो डबल बॉन्ड्स है वो कॉन्जुगेशन में है देखिए डबल सिंगल डबल ये हमारे पास इधर आएगा और ये हमारे पास नेक्स्ट एटम पर तो इस केस में जो मोलर रिफ्रैक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है जैसा कि हम कैलकुलेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्जोल्टेशन क्लियर यही बातें हमने यहाँ पर मैंशन की है वैन द डबल बॉन्ड्स और द ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेटेड पोजिशन एग्जाम्पल ये रहा द मोलर रिफ्रैक्टिविटी इज हाइयर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू दिस इज नोन एज ऑप्टिकल एग्जॉल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं देखिए इस हमारे पास मोलिक्यूल के लिए जब हमने मोलर रिफ्रैक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आई ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है थर्टी पॉइंट फाइव एट जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म है वो है ऑप्टिकल एक्जोल्टेन जो है टू पॉइंट जीरो सिक्स क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आ रही है कैलकुलेटेड वैल्यू से वो किस वजह से क्योंकि हमारे पास ना कि सिर्फ नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पे मोलर रिफ्रैक्टिविटी डिपेंड करती है बल्कि उनके रिलेटिव पोजीशन पर भी डिपेंड करती है कि वो कॉन्जुगेशन में है नहीं है और जब हमारे पास कॉन्जुगेशन में होते हैं तो मोलर रिफ्रैक्टिविटी ज़्यादा होती है कैलकुलेटेड वैल्यू से आप यहाँ भी देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एग्जोल्टे क्लियर तो आप इतना नोट कीजिए देन हम आगे बढ़ते हैं चलिए डियर अभी हमने पढ़ा अच्छे से मोलर रिफ्रेक्टिविटी को अब उसकी जो एप्लीकेशन है एक सब्सटेंस की केमिकल कंस्टिट्यूशन डिसाइड करने में वो आपको इस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से क्लियर होगा क्या कहता है ये क्वेश्चन पढ़िए देन मैं आपको करवाता हूँ ए सब्सटेंस हैविंग द फॉर्मूला सी थ्री एच सिक्स माइट बी आइदर एसीटोन और एलाइल एल्कोहल एक सबस्टांस है जिसका फॉर्मूला है सी थ्री एच सिक्स हो वो या तो एसीटीन एसीटोन हो सकता है या फिर एलाइल एल्कोहल हो सकता है डिट्रमाइन विच सबस्टांस इट एक्चुअली इज इफ़ इट्स मोलर रिफ्रैक्टिविटी इज़ फाउंड टू बी सिक्सटीन पॉइंट नाइन सेवन फोर बाई एक्सपेरिमेंट आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये सबस्टांस एक्चुअली है क्या एसिटोन है या एलाइल एल्कोहल है अगर आपके पास जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोलर रिफ्रैक्टिविटी की जो वैल्यू है वो सिक्सटीन पॉइंट नाइन सेवन फोर हो आपके पास एटोमिक रिफ्रैक्टिविटीज दी गई हैं कार्बन के लिए हाइड्रोजन के लिए कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उसके लिए हाइड्रोक्सिल का जो ऑक्सीजन है उसके लिए क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो एटॉमिक रिफ्रैक्टिविटी होती है ऑक्सीजन की ईथर्स में किटोन्स में एल्कोहल्स में वो डिफरेंट होती है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की भी दी गई है सबसे पहले हम देखते हैं एसीटोन का केस देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो हमारे पास यहाँ पर हैं थ्री कार्बन्स एटोमिक रिफ्रैक्टिविटी की क्या वैल्यू है कार्बन के केस में टू पॉइंट फोर वन एट इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा सेवन पॉइंट टू फाइव फोर इसी तरीके से थ्री एंड थ्री सिक्स सिक्स हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं सिक्स हाइड्रोजन्स सिक्स इंटू हाइड्रोजन के एटॉमिक रिफ्रैक्टिविटी कितना है 1.100 ये बन जाएगा 6.600 एक हमारे पास कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रेजेंट है वन कार्बोनिल ऑक्सीजन इसके लिए कितना है डियर एक ही है 2.211 पॉइंट यह हमारे पास आ गया 2.211 पॉइंट टू वन वन जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आता है सिक्सटीन पॉइंट ज़ीरो टू फाइव क्लियर एलाइल एल्कोहल की बात करते हैं कार्बन्स यहाँ पर हमारे पास थ्री ही हैं थ्री कार्बन्स तो यहाँ पर सेम वैल्यू लिख सकते हैं सेवन पॉइंट टू फाइव फोर टू टू फोर फाइव वन वन सिक्स सिक्स यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं तो क्या हम यही वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं एक हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी हमारे पास कितनी है 1.733 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू डियर कितनी गिवन है हमारे पास 1.525 जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डियर सेवेंटीन पॉइंट वन वन टू तो अब देखिए एसीटोन की कैलकुलेटेड वैल्यू एलाई एल्कोहल की कैलकुलेटेड, वैल्यू कौन सी ज़्यादा नियर है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के क्लियरली एलाइल एल्कोहल की तो वो सब्सटेंस हमारे पास एलाइल एल्कोहल ही होगा इस तरीके से ये एक एप्लीकेशन हो गई मोलिकुलर रिफ्रैक्टिविटी की डिसाइड करने में कि एक सब्सटांसिस का एक केमिकल कंस्टिट्यूशन कैसा होगा अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि यहाँ पर आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐड कर दिया यहाँ पर क्यों नहीं किया यहाँ पर भी तो प्रेजेंट है तो आप ये याद रखिएगा डीएर ध्यान से सुनिएगा कि जो वैल्यू है डबल बॉन्ड की कार्बोनिल ग्रुप में यानी सी डबल बॉन्ड ओ में उसे इंक्लूड कर रखा है ऑक्सीजन की एटोमिक रिफ्रैक्टिविटी में डेट्स वाई हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एटोमिक रिफ्रैक्टिविटी यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्लियर तो आप इसे नोट करें देन हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कैलकुलेट द मोलर रिफ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एट टेम्परेचर एट विच इट्स डेंसिटी इज 1.046 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट दिस टेम्परेचर इज़ वन पॉइंट थ्री सेवन वन फाइव कहता है कि आपको एसिटिक एसिड की मोलर रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है किस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर डेंसिटी जो है वो वन पॉइंट ज़ीरो फोर सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और हमें गिवन है कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस टेम्परेचर पर वो है वन पॉइंट थ्री सेवन वन फाइव डियर आपके पास फॉर्मूला भी है और आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं खुद से ट्राई करें नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे ही चलिए डिस्कस करते हैं आपको मैंने पैटर्न बता रखा है पहले देखो कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है और फर्दर क्या आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन से देन आपको पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है देखिए यहां पर हमारे पास गिवन क्या क्या है सबसे पहले हम वो देखते हैं वी हैव गिवन सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी गिवन है जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं कितना है 1.046 पॉइंट जीरो फोर सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब साथ में हमारे पास क्या गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं कितना है 1.3715 और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सोचो जरा एसिटिक एसिड है आपको ब्रैकेट में इस तरीके से भी एक वो थोड़ा सा साइन दे रहा है कि आप यहाँ से मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलर मास देखिए हमारे पास यहाँ पर दो कार्बन हैं कार्बन और चार हाइड्रोजन्स हैं और दो ऑक्सीजन्स हैं तो अब दो कार्बन हैं चार हाइड्रोजन्स हैं और दो ऑक्सीजन्स हैं दो कार्बन्स हैं तो टू इंटू टल्स फोर इंटू वन टू इंटू सिक्सटीन एन ऑक्सीजन एटम, ट्वेंटी फोर प्लस फोर प्लस थर्टी टू ट्वेंटी एट प्लस थर्टी टू सिक्सटी ग्राम पर मोल बस अब शायद आपको भी पता लग गया होगा अगर नहीं हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा नो मोलर रिफ्रेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है एन स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्र प्लस टू इंटू एम बाय डी रखो वैल्यू वन पॉइंट थ्री सेवन वन फाइव का होल स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाय 1.3715 का होल स्क्वेयर प्लस टू इंटू सिक्सटी बाई स्मॉल डी 1.046 अब जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे डियर तो आएगा 13.02 टू वन सेंटीमीटर क्यूब पर मोल कॉन्सेप्ट को समझिए अप्रोच को समझिए किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन को क्लियर तो यहाँ पर हमारे पास बात कंप्लीट होती है रिफ्रेक्टिव इंडक्शन केमिकल कंस्टिट्यूशन की पहले हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को समझा देन उसको हमने ये समझा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हेल्प से तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग